जाने कितने इसके हैं रूह, एक पल जादू एक पल दू, समझना इसको नहीं आसा, कभी आंसू कभी मुस्कान। नफ़रतों की आग में जलता रहा हूँ मैं ही सदा, है मुझे अफसोस न आई मुझको जीने की अदा, जान कर अब रहूंगा मैं, जान कर अब रहूंगा मैं, जिंदगी के मायने तोड़ डालूंगा सभी मैं, बीते कल के आईने कभी आंसू कभी मुस्कान, कभी आंसू। अच्छा, तुम थोड़ी देर पेट के नीचे लेट जाओ, ठीक हो जाएगा। नहीं दीदी जी, ये दर्द लेटने से और बढ़ता है। 5 रुपया? पर हम तो सिर्फ 2 ही रुपया दे सकते हैं। 2 ही रुपया? हाँ ठीक है, तो मैं पतली कॉपी खरीद लूंगा। अभी तो हमसे 5 रुपया लेकर गया कॉपी खरीदने के लिए स्कूल के वास्ते। यही तो है तुम अनपढ़ माँ बापों के साथ, तुम लोगों को पता नहीं है लेकिन आंगनवाड़ी के स्कूल के लिए सरकार मुफ्त में किताबें देती है। अम्मा से झूठ बोल के पैसा लेके जाता है, है? काहे लेके जाता है, है? वाला स्कूल फिस्कूल जाए के जरूरत नहीं है, ये हमारे साथ काम में जाएगा। कौनो काम पर? अरे मच्छी मारे के काम पर। कौन से काम पर? अच्छा तो हम चोर हैं? और नहीं तो का? क्या चुरा हमने? नहीं मालूम। नहीं नहीं मालूम। नहीं बताए दे। हाँ? हमारा दिल। ले लो 1000 रुपया। अरे ले लो ले लो। अरे बाकी का 4000 शादी के वक्त ले लो। अरे मकान कितना बड़ा था ना, अरे गाड़ी इतनी बड़ी, अरे सिनेमा जो हम तुमको दिखाए रहे धर्मेंद्र का, धर्मेंद्र की वो डिशुम डिशुम, अरे धर्मेंद्र का डिशुम डिशुम तो हम ही सिखाए हैं। अच्छा? और वो जो हीरो है ना जितेंद्र, अरे वो हमारी सफेद चप्पल देख के तो सफेद जूते पहन रहा। अच्छा? और सोहन लाल कैसे हो भाई? अरे बस भैया कृपा है राम जी की। है ना कृपा? हाँ, हाँ। देखो ये हमरे, ये शरद भैया ना, देखा इधर ना आवा। देखो सोहन लाल, ये है शरद भैया हमरे फासेट फ्रेंड। हाँ, हाँ, हाँ। इनका दुईठो मीठी गोली तो बढ़िया वाली। हाँ काहे ना ही खिलाता हूँ भैया, ये लो ये लो। गोपाल भैया आपको यहाँ के सारे दुकानदार जाना था। अरे जानेंगे काहे नहीं, हमारा रोज का आना जाना जो रहा। हाँ, सोहन लाल एक तो सिगरेट दो किंग साइज। हाँ भैया, इलो तुहार सिगरेट और ए माचिस। तुम्हारा पिछला हिसाब तो बराबर है। ए सोहन लाल, हाँ ये लड़कियां अभी ना बस। अरे भैया तनिक एक बार मिलो तो सही लड़कियों को, वरना वो नहीं मानेगी। हाँ ऐसा ही लगता है सोहन लाल। हाँ। कि मिलने का पड़ी। हाँ। पकड़ो गोपाल भैया, लड़कियां कौन है बतावा सवाल लाली का कि वो लड़कियां कौन है। ए उड़ क्या हूँ क्या, आता है आता है। सजनवा बैरी हो गए हमार, अरे करमवा बैरी हो गए हमार, चिथरी पदरी सब कोई बाजे भाग न बंग। क्या बात है, आज बड़ी मौज मस्ती मनाए आए लागत हो। अरे मौज मस्ती वाली बात ही है। अच्छा कहाँ हुई गवा? अरे हमारे सर से इतना बड़ा बोझ जो उतर गया। बोझ सर से उतर गया? और नहीं तो क्या। अरे जिखनी बिटिया शादी ब्याह के लायक हो जाए, रिश्ता पक्का हो जाए तो सर से बोझ नहीं हटा क्या? तुम किसकी बात करत हो? अरे अपनी बात कर रहे और किसकी बात कर रहे? तो किसका कब और कहाँ रिश्ता पक्का होएगा वा? अरे हमारी
गीता बिटिया का रिश्ता तय हो गया। कब, कौन किया है पक्का? अरे हम किए हैं, गीता बिटिया के बप्पा और कौन। हे भगवान, ये शराब तो तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। अरे किसके साथ रिश्ता पक्का कराए हो? रामधिन मछुआरे के संग, और यही पूरन मासी का शादी है। ही लो, शादी का दिन भी पक्का कराए हो? ये शराब तो तुम्हारा दिमाग सचमुच खराब कर दिए है। काहे? काहे? कुछ पैसा वैसा है खिस्सा मा? अरे एक हफ्ता मा शादी का तैयारी कैसे कर पाओगे? मछुआ तो अपने धनिया को बुद्धू समझे है का? ये देखा, ये देखा, 1000 रुपया पेश की दिए है रामदीन। 1000 रुपया? और शादी के वक्त 4000 रुपया दे के वादा करे है। 4000 रुपया? अरे इतना रुपया से तो हमरी घर की दलिद्दरी निकल जाए। हाँ तो है ना खुशी की बात? हाँ है तो खुशी की बात। तो थोड़ा सा पीले भागो आज। दैया रे दैया, कुछ तो शर्म करो। गीता। ये मम बैठ। क्या बात है अम्मा? गीता बिटिया बोलो। गीता बिटिया, तुम्हारी उम्र शादी के लायक हो गई है, और जवान लड़की को घर में रखना अच्छी बात नहीं है। आवारा लड़कों की बुरी नजर पड़त है। हाँ मैं आती हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि वो वक्त शरद वहां पर था, वरना हम हमारी हिफाजत खुद कर लेते। नहीं बिटिया, औरतन की हिफाजत उके पति का घर में ही होत है। गीता बिटिया, तुम्हारे पापा लड़का दिखाए हैं। क्या? हाँ, बहुत अमीर है, कमाता भी है, रानी बनाकर रखेगा। हाँ मगर अम्मा हम। मगर का? हमारी अभी उम्र कहाँ हुई है शादी की? अरे पगली, नहीं तो का, खेलने कूदने के दिन है तुम्हारे? जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो 2 बच्चों की अम्मा बन गई थी। लेकिन अम्मा हम। लेकिन का? देखो बिटिया, लड़का बहुत अच्छा है, और का? और तुम्हारे पापा जबान देकर आ गए हैं। जबान? हमका पूछे भी ना? अपनी शादी की बात तू खुद ही करेगी? पगली कहेगी हमका तुम्हारे दुश्मन है? ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखो गीता, तुम तो जानत हो इस घर की हालत। यहाँ तो खाने पीने के लाले पड़े हैं। तुम शादी करोगी तो बहुत खुश रहोगी, और तुम्हारे पापा कह रहे थे कि वो लोग बहुत अमीर है। अगर अम्मा हम ये शादी तुम्हें करे कपड़ी, जवान लड़की को घर में रखने का जोखिम हम नहीं उठा पाएंगे। क्या बप्पा जबान देकर आए हैं? हाँ। कौन है लड़का? रामदीन मछोरा, बहुत अच्छा आदमी है रामदीन। अब जानत हो उसे? नहीं। फिर कैसे कहा तो कि वो अच्छा लड़का है? हाँ तुम्हारे पापा कह रहे थे। तुम्हारे पापा झूठ तो नहीं बोलेंगे ना? गीता बिटिया, कहाँ सोचत हो? कुछ नहीं। गीता बिटिया, रुक जा बिटिया। गीता, क्या कर रहे हैं? रो मत दीदी, सब ठीक हो जाएगा। रो नहीं दीदी, रो नहीं। अरे
रजो दीदी, मुन्नी दीदी, गीता दीदी क्यों रो रही है? पापा गीता दीदी की शादी तय कर रहे हैं। किससे? पता नहीं। बराबर। अब पापा और अम्मा को क्या पता कि गीता दीदी गोपाल भैया से? चुप हो जा शरद भैया। देखो ना शरद भैया, हम अम्मा को बताए रहे तो हम कभी ऐसे ही टोक दिए दीदी। काहे दीदी, ईमा कौन सी अकलमंदी की बात है? शरद भैया कुछ नहीं होने वाला, ऊपर से हमारी बदनामी होगी वो अलग। नहीं नहीं, हम पापा अम्मा से बात करके रहेंगे। शरद भैया हमारी बात मान, कुछ न कह, उल्टा सब काम खराब हो जाए। लेकिन दीदी, तू हमें मदद करना चाहता है ना? हाँ। तो हमारी बात मान, पापा अम्मा से कुछ न कह, सिर्फ गोपाल जी से जाके कह दे कि कल सुबह हम जंगल में लकड़ी बीने आए रहे, वहां हमका मिले। ठीक है। का दीदी, कहा है, कब आएगा? वो देखो वो आ रहा है। ना 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 दुपट्टा हमरा। अरे बारे बा, का जवान है हम ना चौधरी के घर टीवी पर फिल्म में ऐसा ही हीरो देख रहे। दीदी कैसन फांस लियो तुम इस छेल छबीले को? क्या कह रही है, हमारी दीदी भी कुछ कम है का? तो है। हे भगवान, ये सुंदर जोड़ी कभी टूट न जाए। अब तुम लोग दोनों जाओ, हम उनसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। अकेले में जाओ ना, जल्दी। मैं जल्दी आ जाऊंगी। कहिए मलकिन, कैसे याद किया आपने गुलाम का? आखिरी मुलाकात के लिए। आखिरी मुलाकात? हाँ। काहे? हमारी सरकार का गांव छोड़ के जाए रही? जाना ही पड़ी। काहे? शादी की उम्र जो हो गई। मतलब तुम्हारी शादी हो रही है? हाँ। अरे नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं ना होने देंगे। तो क्या कर ले हो? अरे जाके तुम्हारे पापा अम्मा से बात कर लेंगे। वो जो बांधे के बैठी है अब नहीं बदली। अरे वाह, कैसे नहीं बदली, बदलना ही पड़ी उनको। देखिए जी, आप अगर हमें असल में चाहते हो तो कुछ तरीका सोच लो और जल्दी। सोच लिए। सोच भी लिए? हाँ सुनो। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? अरे उठिए तो। काहे चिल्ला रही सुबह सुबह? अरे गीता घर में नहीं। नहीं है? वो भी ये बात? हम भी तो यही सोचित है कि इतनी सुबह गीता कहाँ जा सकत है। अरे घर ही में होगी और कहाँ जाएगी। अरे गीता, ए गीता, अरे कहाँ मर गई ले? ए बंडी, गीता कहाँ है? हैं? ये रजो, तोरा बप्पा कुछ पूछ रहा है। अरे गीता कहाँ है? भौती का ही नहीं। बप्पा, गीता दीदी घर छोड़कर भाग गई। हाँ। अरे बेटा, तो हमका मालूम रहा तो हमका बताए का ही नहीं? क्योंकि आप उसकी जबरदस्ती शादी कर देते ना। शादी? शादी से का लेना देना उके भागे के संग? हाँ बप्पा, आप गीता दीदी से पूछे बगैर उसकी शादी तय कर दिए थे ना। अच्छा, तो है बप्पा, तुम लोगों से पूछ के तुम्हारी शादी तय करेगा? वो उसके साथ भाग गई जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी। कहा? बड़ा मुश्किल में एक ठो काम बना रहा, वो भी गड़बड़ाया गया। पता नहीं किस हाल में होगी मारी बिटिया, कल रात से उसने कुछ भी नहीं खाया होगा। अब तुम उसको खाए के लिए रो रही हो? यहाँ मुंह में आया हुआ निवाला छिन गया, उसका तुम्हें ख्याल नहीं है? का मतलब? अरे 4,000 रुपया का नुकसान हो गया मूर्ख औरत, अब वो राम दिन हमको 4,000 देगा का? का सोच के रखा रहा? अब रह दो। का दुनिया भैया, का सोचो तो, पुलिस में रपट लिखाई, तहसील चलना है ना। देखो विकास भैया,
और समझो गीता हमारे लिए मर गई। अरे धनिया भैया, पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना मन की तसल्ली की खातिर। मन की तसल्ली? अरे हो गई हमारी मन की तसल्ली, बहुत अच्छी तरह से हो गई। अरे हमरे बिटिया हमरे मुंह में कालिक पोत के चली गई। धनिया भैया मत बल, गीतिया बिटिया की पूछताछ के लिए तो कुछ ना करिए। ना कर बे, बिल्कुल ना कर बे। हम तो कह देते हैं कि उस बदजात का नाम ये घर में कोई ना ले, हम बता ही देते हैं। अब हम समझेंगे कि हमरे पास दो छ बिटिया है और एक बेटा बस। धनिया भैया ये का बोलत है तू? अरे भैया खून आखिर खून होता है, चल चल नदिया पर चलते हैं, जाल लगाने का वक्त हुई गवाह, चल वहां जाके सारी बातें करेंगे। चल आज हम न जाएंगे, सरजवा को भेजेंगे। ठीक है हम भी चंद्रू को भेज देंगे। और थोड़ा आगे ले। जयराम जी की भैया आज तो एक को मच्छी नहीं मिली है। अरे भैया तुम कह रहे थे ना कि शादी तय कर लिए, मिठाई नहीं खिलाए, लो खाओ मिठाई। अरे मैं को रामदीन भैया सचमुच मिठाई ले आए। नहीं भैया ये सूखे सूखे जलेबियों से काम नहीं चलिए। अरे तो ऐसे काम तो चलिए, हमको सब पता है, जैसे तुम लोग का गला तर नहीं हो जाते जैसे थोड़ा ही मनत है। ये लो भैया, भैया हो जाए ये लो मिठाई। रामदीन भैया एक बात है, ये शादी से तुम बड़ा खुश हो। अरे लालता भैया से लाल की वजह से है भैया, चीजों तो बड़ा नमकीन मिली है, ये धनिया की बिटिया गीता। अरे शरद भैया आओ आओ, सही वक्त पर आए हो, ये लो लो। नहीं लालू काका हम नशा ना कर रहे थे। अरे ले लो रामदीन भैया बड़े प्यार से लाए हैं। अरे बेटा शरद इनका नमस्ते नहीं किया? ये कौन है, हम इनको पहली बार देख रहे थे। अरे का बात करो तो इनको नहीं जानो तो? नहीं। अरे हम है तुम्हारे हुए वाले जीजा और तुम हमारे हुए वाले साला। अच्छा तो वो आप हैं? हम ही हैं। अब आप हुए वाले जीजा जी नहीं रहे। का मतलब? मतलब ये कि कल रात को गीता दीदी गोपाल भैया के साथ शादी करी के भाग गई। भाग गई? अरे क्या कह रहे हो तुम? रामदीन चाचा हम बहुत झूठ बोलते हैं लेकिन ऐरा गैरा से नहीं। देखो हमका मजाक पसंद नहीं। मजाक तो तुम कर रहे हो हम लोगों के साथ, चल चंद्रू। हम भी ऐसे चुप रहने वाले नहीं, जाके देखा था धनिया क्या का खिचड़ी पक रही है। शरद तुम आंगनवाड़ी काहे ना आया था? हमारे पप्पा कहते हैं पढ़ाई में कहाँ रखा है, काम करो काम। मगर हमारे पप्पा तो कहते हैं खूब पढ़ो। छह छोड़, तुम्हारे जिम में पैसे है ना? हाँ है। काहे? जा दो सिगरेट लेके आ। सिगरेट किसके लिए? अपने लिए और किसके लिए? ना बाबा हम तो नहीं पीते सिगरेट, क्या तुम पीते हो? मैं भी नहीं पीता भैया, कभी ना कभी तो शुरू करी का बड़ी। हाँ मगर हमारे पापा तो कहते हैं सिगरेट बहुत बुरी चीज है, वो भी तो पीते हैं। वो तो है, जा जल्दी जा सिगरेट लेके आ। ठीक है। कहाँ चाहिए? दूसरी सिगरेट। कहाँ? शरद को। समझ गया, ये ससुरा गोपाल पूरे गांव को बिगाड़ के रखेगा, ये ले फूको और मारो भागो। ये लो ला। माचिस ला माचिस। माचिस? माचिस तो हम नहीं लाए। ई ससुरवा पागल का पागल ही है। आजा मैं तुझे बताता हूँ सिगरेट कैसे जलाते हैं। राम राम बंडे। जय राम जय। धनिया भैया, अरे धनिया भैया, धनिया भैया हम सब कुछ सहन कर सकते हैं पर ये बात हम सहन नहीं कर सकते। अरे का बात सहन नहीं कर सकते हो? अरे तुम्हारा बिटवा हमारे बिटवा को खराब करता है। अरे का खराब कर रहा है? सिगरेट बीड़ी ये सब कुछ पीना सिखाता है, हम अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं। का बात कर रहे हो विकास भैया? अरे हमारे सरदवा के पास सिगरेट खरीदे खातिर पैसा कहाँ होता हो? बिटवा भी तो धनिया का ही है ना, पैसे खर्च चंद्रू से करवाते। हम तुमसे कब पैसा खर्चा करवाए भला? अब धनिया भैया मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारे पास बीड़ी सिगरेट के पैसे रहते रहेगा। देखा विकास भैया देखा, ये का है ये देखा, ये देखा, अरे नोट है असली। हो धनिया तुम्हारा लड़का पूरे गांव में क्या कह रहा है? क्या कह रहा हो? कहत फिर रहा है कि गीता कोई गोपाल नाम के जवान के साथ भाग गई है, का ये सच है? अब हम जाए। अरे नहीं तुम रुको, यहाँ होने वाला है झगड़ा,
और जब दो लोग आपस में लड़ रहे हो तो तीसरा फैसला करने के लिए चाहिए नहीं। रुको, इसमें लेकिन धनिया का क्या कसूर है? अरे विकास भैया, तुम ना ही समझते हो, कहा पता दूसरी पार्टी से ही पैसा लिया हूँ। पैसा काहे का पैसा? राम धन, तनिक शर्म है कि नहीं? अरे ऐसी बात सबके बीच में बोली जा सका? अरे रहने दो, रातों रात बिटिया को घर से भगा दिए तो शर्म नहीं आ रही? होए वाले दामाद से पेशगी पैसा की बात पे शर्म आ रही है? अरे धनिया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं, तू दामाद से कन्यादान का पैसा ले रहा है? विकास भैया, जिखरे तीन तीन बेटिया ब्याह के लायक हो, उखरे ऊपर कोई धर्म कर्म लागू ना होता है। अच्छा, अब आई बात समझ में। तो तुम्हार वसूल है कि ई हाथ ले वो हाथ दे, ठीक है? गीता का ब्याह तो किए नहीं, ला हमारे 1,000 रुपया वापस करो, चलो। वो तो हमसे खर्चा हो गया। यही खातिर हम तो कह रहे हैं, देखो दुनिया, उके उके पैसे दे दे। इले, 200-300 रुपया बचा हो। ठीक दे रहे हो का? हम 1,000 रुपया पूरा दिए थे, वही हमको चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं? और नहीं तो लालता भैया बता रहे थे कि गीता की कोई छोटी बहन है रज्जो। अरे रामदीन भैया, ये क्या बात कर रहे हो? रज्जो की उम्र शादी की थोड़ी ना हुई है। तो ठीक है ना, लाओ हमारा 1,000 रुपया, हम चले। लिया, चलो खत्म करो झमेला यार। रामदीन, शादी की तारीख पक्की करो। अरे सुनती हो, जरा पानी तो लाना। लाई जी। का बात है जी, का हुआ? अरे धनिया, खुद तो डूबेगा लेकिन अपने साथ अपने पूरे परिवार को लेके डूबेगा ये। अरे पर बात क्या हुई? शादी करवाने निकला है, रज्जो की शादी करवाने निकला है वो। रज्जो की शादी? अभी उसकी उम्र ही क्या है? उसकी शादी उसके हाथ में थोड़ी ना है। अरे उसकी शादी तो इस मूर्ख धनिया के हाथ में है। मगर धनिया भैया, ऐसा काहे करत रहे? उसकी वजह है गीता, उसकी बिटिया। वो रामदीन है ना, रामदीन 40-45 साल का लड़का है, वो बूढ़ा आदमी। उसके साथ इस भैया ने इसकी बेटी की शादी तय कर दी। अब गीता को ये रिश्ता पसंद नहीं आया, उसने रिश्ता तय नहीं किया और बिचारी भाग गई। हाय राम। और अब धनिया गीता के बदले में रज्जो का हाथ उसके हाथ में थमा रहा है। अगर गीता बिटिया घर से भाग गई, तो उमें रज्जो का क्या कसूर? रज्जो का कोई कसूर नहीं है, कसूर धनिया का है, क्योंकि गीता की शादी तय करने के लिए उसने रामदीन से पैसे चुलिए थे। ये का किया धनिया भैया ने? अब अगर गीता बिटिया नहीं है तो रामदीन को उसके पैसे लौटाकर उसे दफा काहे नहीं कर देते? रज्जो को उसके गले मारने का क्या मतलब है? कैसे लौटाएगा वो? अरे सारे पैसे वो खर्च कर चुका है। हाँ, 100-200 रुपए की बात होती तो मैं भी मदद कर देता, पर ये बात पूरे 1,000 रुपए की है। 1,000 रुपए की? 1,000 रुपया? हाँ हाँ, 1,000 रुपया। अब रामदीन अड़के बैठा है, या तो मुझे मेरे रुपये दो या तो फिर रज्जो का ब्याह मुझसे कर दो। हम कहत है जी, आप कुछ इंतजाम ना ही कर सकत है? बिचारी रज्जो को इस संकट से छुटकारा मिल जाए। इंतजाम हो सकत है, पर तुम्हारे ये धनिया भैया माने तब ना, उनके लिए तो बस यही है कि किसी भी तरह से अपनी एकाध बेटी के हाथ पीले हो और अपनी एक बला तले, बस। ये क्या बात हुई? एक नाबालिग लड़की की शादी करके उन्हें छुटकारा कैसे मिल सकत है? अगर इससे रज्जो की जान को खतरा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? धनिया भैया की ना? अगर ये बात तुम्हारे धनिया भैया की खोपड़िया में उतरत होती ना, तो वो रज्जो की शादी रामदीन के साथ कतई तय नहीं करत होते। हम कहते हैं आप ही समझाइए ना उका। कोनो फायदा नहीं है धनिया को समझाने का, कोनो फायदा नहीं है, क्योंकि धनिया पढ़ा लिखा नहीं है ना। हा? अब वो लोग तो यही सोचते कि आपकी भला आप चले, बाकी बातें बाद में सोचेंगे। चंद्रू, हमारा चंद्रू पाठशाला में जाता है ना, उनका शरद भाभी पाठशाला में जाता था, पर उसको निकाल दिया और क्या किया, मछली मारी के काम धंधे पे लगा दिया ना। का होगा इन लोगन का? कुछ होने वाला नहीं है, जब तक ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं ना, इस दलदल से बाहर नहीं आएंगे ये लोग। तो बहन कहती है कि इन्हें पढ़ाओ लिखाओ समझाओ, पर पढ़ाया लिखाया समझाया उसे जाता है जिनकी इच्छा हो। जो जाते हुए भी
सोने के सपने देखते रहते हैं, उसे कैसे समझाया जा सकता है? कब है शादी? बहुत जल्द। देखो रामदिन तो मुकरेगा नहीं, गीता बिटिया भाग गई है, अब मुझे लगता है कहीं रज्जो भी भाग ना जाए। बेचारी रज्जो, इतनी कच्ची उम्र में कैसे घर बसाएगी? चंद्रू, चंद्रू कहाँ? पाठशाला। बस अब तो एक ही आस के सहारे जीते हैं कि चंद्रू बड़ा आदमी बन जाए, हमसे भी बेहतर जिंदगी वो जिए। बस अपना चंद्रू समझदार है, वो हमारा सपना जरूर सच कर दिखावेगा। न जाने कितने इसके है रूह, एक पल जादू एक पल दूर, समझना इसको नहीं आसान, आग में जलता रहा हूँ मैं ही सदा, है मुझे अफसोस न आई मुझको जीने की अदा, जान कर अब रहूंगा मैं, जान कर अब रहूंगा मैं, जिंदगी के मायने तोड़ डालूंगा सभी मैं, बीत कल के आईने।